अब एक और लो फैट स्पेशल रेसिपी, और इसमें जो फैट है वो भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करूँगा मैं। तो वेजिटेरियन रेसिपी इसके लिए ये जो है टोमेटो बेजल सालसा बनाना है हमें। तो ये प्याज, प्याज मुझे थोड़ा चॉप करना है बस। चलिए थोड़ा ऑलिव ऑयल, ज्यादा नहीं, ये ले लिया। अच्छा, यहां पर मैंने एक पैन में पानी रखा है और ये स्ट्रेनर इसमें, ये इसलिए क्योंकि मैं इसमें पकाना चाहता हूँ ये पास्ता, पेने पास्ता, ये देखिए बाजार में मिल जाता है, और ये पकने के लिए रख देते हैं हम। और ये जो है तेल, इसमें ये प्याज, अब क्या चाहिए, गार्लिक, फ्रेश गार्लिक क्रश किया हुआ, जरा इसे मिक्स कर लें ताकि ये, क्योंकि तेल कम है इसलिए नॉन स्टिक पैन में अच्छा बनेगा ये। अच्छा, इस रेसिपी में और क्या चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़, और वो है ये पेपर्स। ये मेरे पास शिमला मिर्च हैं, हरी पीली लाल, आपको जो भी मिले, हरी मिले, हरी पीली लाल जितनी मिले वो इस्तेमाल करें आप। और ये मैंने रोस्ट की हैं, रोस्ट करने का मतलब इसी तरह से जैसे बैंगन को रोस्ट करते हैं, गैस के ऊपर रोस्ट कर सकते हैं आप, अवन के अंदर रोस्ट कर सकते हैं, और जब ये छिलका जलना शुरू हो जाए तो पानी में डालकर इसको रखें, ऊपर से जला हुआ छिलका निकालें और फिर इसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, बीज नहीं चाहिए, और प्याज और लहसुन जो है ये देखिए ये हल्का हल्का लाल हो गया। अब इसमें डाल देते हैं हम ये टमाटर, टमाटर आप ग्रेट करके डाल सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो टमाटर को हल्का सा पका के उसका छिलका निकाल के फिर उसे मिक्सी के अंदर ब्लेंड करें वो डाल सकते हैं। टमाटो कनकसे जो है वो इसके अंदर डालें, और इसको अब कुछ देर पकने देना है हमने, तो ये पकाएंगे हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहता हूँ मैं ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। और इसमें अभी मैं डाल देता हूँ ये नमक, तब तक ये जो कैप्सिकम हैं, पेपर्स हैं, बेल पेपर्स हरे लाल और पीले, ये लेकर इसको काट लेते हैं रोस्ट किए हुए। ये देखिए, रोस्ट करने से इसका जो फ्लेवर है वो बदल जाता है, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आएगा, वो ही चाहिए हमें। और ये जो पेपर्स हैं ये तीखे नहीं होते, इसमें काफ़ी मिठास होती है, तो ये जो हम सॉस बनाएंगे थोड़ी सी खट्टी और तीखी सॉस बनेगी और मिठास आएगी पेपर्स और अनियन से। और ये जो पेपर्स हैं ये सब इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें डालेंगे हम हेलोपिनो पेपर्स, पिकल्ड हेलोपिनोस, ये इसी तरह से इसके अंदर, और आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, तो ये ब्लैक ऑलिव्स इसके अंदर डालें। और उसके साथ साथ इसमें ये पत्ते बेजल, फ्रेश बेजल हाथ से टूटी हुई, और अब इसके अंदर हम डालते हैं ये पेने पास्ता। ये अभी पक रहा है तो ये मैंने पहले से पका के रखा है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए तेल इसमें बहुत ही कम, टमाटर जो हैं वो उसकी फ्रेशनेस, और एक तरह से आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, जो है बहुत बढ़िया सैलेड भी बनता है इसका। तो ये जो सॉस आप पहले बनाएं उसे ठंडा करके बाद में इसमें पेने को मिक्स करें और ये बन जाएगा सैलेड। तो यानी गरम खाना हो या ठंडा, ये मर्ज़ी आपकी है, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स होने दें और फिर मज़ा लें पेने का, रोस्टेड पेपर्स का, ऑलिव्स का, और उसके साथ साथ कभी कभी हेलोपिनो पेपर्स। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप।
इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पेनी पास्ता, एक हरी शिमला मिर्च भुनी और कटी हुई, एक पीली शिमला मिर्च भुनी और कटी हुई, एक लाल शिमला मिर्च भुनी और कटी हुई, 2 कप टोमेटो कैन कसे, 10 बेसिल की पत्तियाँ, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 प्याज कटी हुई, 10 कलियाँ लहसुन की पिसी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 हेलोपिनो स्लाइस की हुई और 4 ब्लैक ऑलिव्स कटे हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करके इसमें पास्ता डालकर पका लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज और लहसुन डालकर भूनें। फिर टोमेटो कैन कसे, 1/2 कप पानी और नमक डालकर कुछ देर पका लें। अब इसके अंदर भुनी हुई लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डालें। इसके साथ हेलेपिनो, ब्लैक ऑलिव्स और बेसिल की पत्तियां डालकर मिलाएं और फिर इसके अंदर पका पेने पास्ता डालकर मिलाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।